हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने सोचा कि जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न रिफंड पैसा आता है वो कितने दिन बाद आता है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से परेशान था कि मेरे पास मेल आ गया था, लेकिन उसके बाद वो कितने दिन तक के लिए, कितने दिन बाद अपने अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसके लिए मुझे किसी ने 1 महीने में बोला, किसी ने 2 महीने, पर वो एक्चुअली आया नहीं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक 5-10 मिनट का मैं वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि कब पैसा आता है वो। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरह का मेल आता है। उसमें एक हिंदी एक PDF रहता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं। तो वहाँ पे आपको कहाँ चेक करना है कि कितना पैसा हमारा रिफंड होगा, किस अकाउंट में होगा, और ये कब तक आएगा। मेन चीज़ ये कब तक आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वो किस तरह से आप देखेंगे, और उसके बाद फिर मैं गेट बैक होता हूँ। तो दोस्तों, आपने जो भी ईमेल आईडी आपका रजिस्टर्ड किया होगा ITR फाइल फिल करते समय, उसी ईमेल आईडी पे आपको इस तरह का कोई एक ईमेल आईडी एक ईमेल आएगा, जो कि इस ईमेल आईडी से आएगा, intimation@cpcincometax.gov.in। ओके, इस वाले ईमेल आईडी से आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में एक अटैचमेंट रहेगा, उस PDF अटैचमेंट रहेगा। उस PDF अटैचमेंट को जब आप अपना पैन कार्ड विथ आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट में रहेगा, उस पासवर्ड को आप जब ओपन करेंगे तो आपको एक PDF ओपन हो जाएगा। और उस PDF में आप सबसे नीचे जाइएगा तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उस PDF को ओपन कर लीजिएगा। आपका जो ईमेल आएगा उसमें PDF अटैचमेंट रहेगा। PDF को सेव करके डाउनलोड करके ओपन करना, और ओपन करने के बाद जब आप उस PDF को ओपन करेंगे, आफ्टर पासवर्ड डाल के, पासवर्ड आपका पैन कार्ड, और उसके बाद कंटिन्यूस में आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY के फॉर्मेट में रहेगा। जब आप उस PDF को ओपन कर लेंगे तो लाइक आपको इस टाइप का एक पेज ओपन रहेगा। आप सबसे नीचे जाइएगा तो उसमें खासियत ये रहती है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो सपोज पहले आपको हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, कुल आयकर प्रतिदाय, और इसके सामने जो लिखा हुआ है, जैसे मेरे केस में 7110 रुपीज़ लिखे हुए, 7110 रुपये। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कुल आयकर प्रतिदाय। अब कभी कभी हमको क्या होता है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है, सॉरी हिंदी समझ में नहीं आती है, तो कुल आयकर प्रतिदाय क्या होता है, तो एक्चुअली ये आपका रिफंड है। और आप यदि 23 नंबर पर देखेंगे तो प्रतिदाय योग्य कुल राशि, और वो भी 7110 रुपये लिखी हुई है। तो यदि आपको हिंदी आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आपको इंग्लिश वर्जन में भी वो देखने को मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा रहेगा इस टाइप का। तो वही पॉइंट नंबर 21 और 23 पे टोटल इनकम टैक्स रिफंड लिखा रहेगा, और ये 7110, और नीचे ये लिखा रहेगा नेट अमाउंट रिफंडेबल और 7110। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिलेगी आपके PDF में। ओके, अब बात आती है कि ये देखिए, ये जो ईमेल मुझे मिला था intimation@cpcincometax.gov.in से, उसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा योर ITR इंटीमेशन। तो उस PDF को जो, ये देखो, ये मेल मुझे मिला था December 25, 2020, मतलब 25 दिसंबर 2020 को मिला था, और आज मुझे ये पैसा मेरे अकाउंट में मिला है। और अकाउंट वो रहता है जिससे हमारा इनकम टैक्स में, जो हमारा जब हम इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं उसमें वो पूछता है कि आपके कौन कौन से अकाउंट है, आपको डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट कौन सा रखना है। तो एक्चुअली उसी आपके उसी अकाउंट पे पैसा रिटर्न होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाले पे। ठीक है, तो अभी देखिए, आई रिसीव टुडे इन माय अकाउंट 5th ऑफ मार्च 2021। अब आप देखिए, 5 मार्च और 25 दिसंबर, इसके बीच में अप्रोक्स 2 मंथ हो चुके हैं और 10 दिन हो गए, तो करीब करीब आपको 2 महीने से 2.5 महीने भी लग सकते हैं आपका रिफंड पैसा आने में। कभी भी जल्दी ना करें, क्योंकि आप नेट पर देखेंगे तो आपको अप्रोक्स 1 मंथ या 30 डेज़ लिखा हुआ रहता है, लेकिन करीब 25 दिसंबर से मुझे आज 5th मार्च को मिला है। तो ये दोस्तों रिफ़ंड के मामले में ये था कि आपको ये रिफ़ंड कब मिलता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, और आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन आप और काफ़ी ईमेल आईडी भी रहते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न पे हम सेंड कर सकते हैं, पर बाई डिफ़ॉल्ट वो फेलर होते हैं और करेक्ट ईमेल आईडी हमें मिल नहीं पाता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रहें और करीब 2-2.5 महीने का इंतज़ार करें ईमेल आने के बाद। तो दोस्तों, ये है आपकी जानकारी के लिए, और कुछ क्वेरी या कंसर्न है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उनका आंसर देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।
टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मुझे और लाइक कीजिए, ये तो बोलना ही पड़ता है। ओके, और आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं हमेशा बनाता रहूँगा और आपको कम समय में आपकी जानकारी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय। आपका राहुल आपके साथ, बाय।